हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं। अब हम परवल को छील लेंगे। यहाँ पर हमें परवल का छिलका नहीं उतारना है, बल्कि परवल को चाकू की मदद से हल्का हल्का सा खरोंच लेंगे। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने चाकू की सहायता से परवल को हल्का हल्का सा छील लिया है। और परवल को छीलने के बाद परवल को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे परवल को छील कर रख लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे परवल को छील कर और उन्हें साफ़ पानी से धो कर रख लिया है। अब हम परवल को बीच से काट लेंगे और इसके चार टुकड़े कर लेंगे। यदि परवल में बीज पक गए हों तो आप परवल काटते समय बीज को निकाल दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने बाकी जितने भी परवल थे सबको काट के रख लिया है। यहाँ पे मैंने चार मीडियम आकार के आलू लिए हैं। अब हम आलू को छील लेंगे। मैंने छिलनी से आलू को छीला है। यदि आपके पास छिलनी ना हो तो आप चाकू से भी आलू का छिलका उतार सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी बचे हुए आलू को भी छील लिया है और उन्हें साफ़ पानी से धोकर मीडियम आकार में काट के रख लेंगे। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा फ्राई होने के बाद कटे हुए परवलों को डाल देंगे। इसके साथ ही कटे हुए आलुओं को भी हम परवल के साथ डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने आलू और परवल को तेल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए आलू परवल को फ्राई होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी को एक बार हम चेक कर लेंगे। सब्ज़ी को मैंने एक बार फिर से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है। इसे हम सब्ज़ी में डाल देंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ में मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। अब हम सभी मसालों को सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे मसाले हमारे अच्छी तरीके से सब्ज़ी में भून कर मिक्स हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सब्ज़ी मिक्स हो गई है और मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर सब्ज़ी को रख दिया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्ज़ी को चला लेंगे। सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके देख लिया है। सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से पक कर तैयार हो गई है। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर सब्ज़ी में डाल देंगे और सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को मैंने मिक्स कर लिया है। सब्ज़ी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आलू परवल की सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे रोटी और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।